आई एम अंशु, वेलकम टू योर चैनल अंशु मूवी। तो फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो है कि बच्चे के शिशु को अंदर से कैसे क्लीन किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे को शिशु को कैसे क्लीन किया जाता है या कैसे ओपन किया जाता है। तो फ्रेंड, इस पर डस्ट जमता क्यों है? पहले हम लोग वो जान लेते हैं, अगर हम बच्चे के शिशु की अच्छी से सफाई नहीं करते, उसके नहाने के टाइम पर उसको पानी की धार नहीं मारते हैं, उसको डायपर डाल से क्लीन नहीं करते, तो बच्चे का जो शिशु करता है उससे उसका जो चिपचिपापन है वो उसके शिशु पे जमा हो जाता है, जिससे उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो प्लीज़, आप जब भी उसका डायपर उतारें तो उसको अच्छे से क्लीन करें, उसको जब भी निहाएं उसको पानी की धार मारिए, उस तेल की मदद से करने से उसके अंदर का जो भी डस्ट होगा वो सब निकल जाएगा। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि बच्चे के शिशु को अंदर से कैसे क्लीन करना है। तो फ्रेंड, जैसे ये एक आप लगा लीजिए, एक जैसे कि इसमें आपको मैं थोड़ा सा डस्ट डाल देती हूँ, ठीक है? अब जैसे पानी डालती जा रही, उससे क्या होगा, जो भी इसमें जमा हुआ डस्ट होगा वो सब निकल जाएगा। अब ऐसा तो मैंने पानी डालती है तो वो नीचे बैठ जाएगा, नहीं अगर मैं डालती जाऊँगी तो वो सब, और ऊंचे से डालना है, ऊंचे से डालोगे तो सब डस्ट को बाहर निकलेगा। वैसे ही बच्चे का शिशु है, अगर आप उसको करना क्या, हाँ उसके हाथों से थोड़ा सा पुश कीजिए और उसे पानी डालते जाइए। हम उसको रेगुलर पानी डालते जाएंगे, अगर 8-10 गिलास पानी डालेंगे तो आप देखेंगे जो बच्चे का जो शिशु पर जमा हुआ डस्ट है, जो वाइट कलर का चिपचिपा है, सब उसका बिल्कुल साफ़ हो गया। तो प्लीज़, उसको रगड़ने की, रब करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करिए, उसको बस इजिली हल्के हाथ से पुश कीजिए, उसे पानी की धार मारिए, उससे आपके बच्चे का जो शिशु है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो कि बच्चे के शिशु को अंदर से डीपली क्लीन कैसे किया जाए। तो अंदर से डीपली क्लीन करने का ये तरीका है कि हल्के से पुश करो, पानी की धार मारो बच्चे का शिशु, और उसको प्लीज़ जब भी डायपर निकालो उसकी अच्छे से सफाई करो, नहाने के टाइम पर उसको अच्छे से उतर के उस पोर्शन को बिल्कुल अच्छे से साफ करो। जितना आप उसको साफ करोगे उस पर उतना डस्ट कम जमेगा और बच्चे को परेशानी भी कम होगी। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फ्रेंड के साथ साथ मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली उसका वीडियो लेकर आऊँगी। नहीं तो हर संडे डाउट सॉल्यूशन के नाम से एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें आप लोगों के सभी क्वेश्चन के आंसर होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई तो करती भी हूँ तो बहुतों को समझ में भी नहीं आता है। और बहुत इससे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को उसके आंसर इसलिए अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड, इसलिए हर संडे वीडियो होगा। और हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया उसको आप भी देखें कि आप आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में हो, क्या पता आपको सॉल्यूशन भी उसमें मिल जाए। तो फ्रेंड प्लीज़, अगर आपको मेरा ये आइडिया भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मेरा आइडिया कैसा था। तो फ्रेंड, चलिए मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। आपको और कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट करिए, मैं डेफिनेटली उसके आंसर आपको रिप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड, चलिए आपको तो समझ में आया होगा कैसे उसको डीपली क्लीन किया, तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको थोड़ा सा तो हेल्प मिला होगा तो जरूर प्लीज़ मुझे कॉमेंट जरूर करिए ना, प्लीज़। चलिए फ्रेंड, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।